हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। मैं हूँ प्रगति। तो आज मैं आपके साथ कोई आर्ट एंड क्राफ्ट का वीडियो नहीं शेयर करने वाली हूँ, ना ही कोई साड़ी ड्रिपिंग का। आज मैं आपके साथ एक स्पेशल वीडियो शेयर करने वाली हूँ, जिसमें कि मैं आज अपनी खुशी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और ये दोनों मेरे भाई हैं जो ड्राइव कर रहे हैं, आगे बैठे हैं। और आज हम जा रहे हैं उन्नाव से कानपुर। कानपुर में मेरी सिस्टर इन लॉ का घर है, पहले हम वहाँ पर जाएंगे। और जो खुशखबरी है वही मैं आपके साथ आज रिवील कर देती हूँ। मैं जा रही हूँ अपनी न्यू कार लेने के लिए आज, क्योंकि हम जो कार लेंगे वो कानपुर के शोरूम से ले रहे हैं। तो अभी हम निकल चुके हैं घर से उन्नाव से कानपुर के लिए। कानपुर में सिस्टर इन लॉ के घर जाएंगे पहले, और उसके बाद हम जाएंगे गाड़ी के शोरूम। तो मेरे घर आई हुई थी मेरी मम्मी और भाई, इन लोगों को कानपुर में एक शादी अटेंड करनी थी। तो हम लोग एक ही साथ निकले हैं उन्नाव से कानपुर के लिए। ये लोग शादी में अटेंड करेंगे, और शादी अटेंड करने के बाद हम लोग सीधे जाएंगे गाड़ी के शोरूम गाड़ी को लेने के लिए। तो अभी वो लोग जा चुके हैं शादी अटेंड करने के लिए, और हम लोग सिस्टर इन लॉ के घर से निकल चुके हैं गाड़ी के शोरूम जाने के लिए। ये मेरे जीजू हैं जो आगे अभी ड्राइव कर रहे हैं, और हम लोग अब गाड़ी के शोरूम जा रहे हैं और कानपुर में हैं। तो गाड़ी में कौन कौन है वो भी आप देख लीजिए। ये मेरी पूरी बच्चा पार्टी है, और ये मेरी सिस्टर इन लॉ है, और ये उनका बेटा है। तो गाड़ी के शोरूम जाते हुए हम लोगों ने फुल प्रिकॉशन लिया हुआ था। हम लोगों ने अपने मास्क पहने हुए थे, और हर 15 to 20 मिनट्स में हम लोग अपने हैंड को सैनिटाइज़ कर रहे थे। और ये जो अभी आप मार्केट देख रहे हैं, कानपुर का मार्केट है। तो अभी जो आपको ये रोड के सामने दिख रहा है, यही है गाड़ी का शोरूम जो कि कानपुर में है। और यू टर्न करने के बाद हम इसी शोरूम पर आएंगे अभी वापस। राधो, आई एम गोइंग टू टेक माय ओन कार। तो फाइनली अभी हम आ चुके हैं गाड़ी के शोरूम, और अपनी गाड़ी को पार्किंग पे पार्क करने के बाद हम जाएंगे शोरूम के अंदर। तो फाइनली गाड़ी की डिलीवरी लेने का टाइम आ चुका था, और अराउंड 6 o'clock हम लोगों को वहीं पर शोरूम में ही हो गए थे। काफ़ी लेट हो गया था, और मम्मी और भाई भी शादी अटेंड करके वहाँ से आ चुके थे, तो वो लोग डायरेक्ट शोरूम ही आ गए थे। तो यही फ़ोटो सेशन वगैरह हो रहा था, तो प्रोसेस होता है चाबी देने के टाइम का। तो उसके बाद हम यहाँ से जाएंगे सिस्टर इन लॉ के घर, और उसके बाद हम गाड़ी को लेके जाएंगे मंदिर पूजा कराने के लिए। और ये जो हमने गाड़ी ली है, वैगनार का टॉप मॉडल है, वैगनार ZXi AGS।
शोरूम से निकलने के बाद हम लोगों के पास थोड़ा सा टाइम था, क्योंकि यूपी में 8 o'clock पर लॉकडाउन लगा देते हैं, मार्केट वगैरह बंद हो जाता है, तो थोड़ा सा टाइम था। तो हम लोगों ने गाड़ी की पूजा कराई है, वरना हम लोग सोच रहे थे कि नेक्स्ट डे गाड़ी की पूजा कराएंगे। तो हम लोगों को रात में ही मंदिर, यहाँ पर एक जीजू हमें एक मंदिर में लेके गए थे, वो मंदिर ओपन था और वहीं पर हमने गाड़ी की पूजा कराई है। तो यहाँ पर गाड़ी को मैंने भी थोड़ा सा ड्राइव किया है, और मेरी ड्राइविंग आपको कैसी लगी है मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और इससे पहले भी मैंने कई व्लॉग वीडियो बनाए हैं, उसके लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। अगर आपको देखना चाहते हैं तो वीडियो को चेक कर सकते हैं वहाँ से, डिस्क्रिप्शन बॉक्स से, और वीडियो के एंड में भी आप चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ मैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।